झांसी में कब्जा हटाने को लेकर चली गोली, क्षेत्र में मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि झांसी के महुरानीपुर में प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर दबंगों ने युवक पर गोली चला दी। जानकारी के अनुसार महुरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव निवासी कृपेंद्र सिंह पुत्र रंजन सिंह का गांव के एक युवक से प्लॉट को लेकर कब्जा हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज कृपेंद्र ने उक्त युवक से प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर कहा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान उक्त युवक के बेटे द्वारा पीछे से गोली चला दी गई। इसी दौरान वह अचेत होकर गिर पड़ा। वहीं गोली की आवाज सुन लोग एकत्रित होने लगे। वहीं परिजनों द्वारा युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विद्या। कहाँ से हैं आप? बड़ा गांव से। क्या घटना हुई है आज? हाँ जी, हम तो घर पे थे, साहब जे जाने दूध दे के आए हैं मऊ से, तो खून बहा रहा, तो जो हमने कहा हुआ, तो हमने बताया नहीं किसने मारा, कह रहे बंदूक घलिए, जो नहीं बताया किसने मारा। ये नहीं बताया किसने? नहीं। क्या नाम है इनका? कृपेंद्र सिंह। पिता का नाम क्या है? रंजन सिंह। किसी से कोई विवाद था क्या? नहीं, ऐसी हक दू ऐसी जांगा जमीन पे। अच्छा, परिवार वालों से गांव वालों से नहीं, गांव वालों से है तो जो नहीं है मालूम किससे लड़ाई भाई हो, नहीं से भाई का गांव वालों से भाई, हम तो छोटी छोटी बच्चा थे तो घर पे थी। क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, थोड़ी सी गुम्मा पे हम गुम्मा उठाए थे। अच्छा, हमारे गुम्मा जी एक साइड रखो। हाँ। और तुमने हमारे गुम्मा का उठाया, अपनी मिट्टी उठाओ, प्लांट हमने लिया है। हाँ। यही थोड़ा सा विवाद। किसने गोली चलाई? ऊपर से छत पे से उनके लड़का ने। क्या नाम है उनका? देवेंद्र। और देवेंद्र पांचाल। देवेंद्र पांचाल। विवाद ये गुम्मो को लेके था? अरे प्लाट पे होना है विवाद। मैंने अभी उसका परीक्षण किया तो उसके बाएं पैर में जो है गोली लगी हुई है। उसको जो प्राथमिक उपचार के बाद उसको झांसी रेफर किया हुआ है। कृपया नाम है, पिताजी का नाम रंजन है और बड़ा गांव का रहने वाला है। अभी किया नहीं है, अभी उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको। हालत गंभीर है? अभी अभी गंभीर नहीं है, अभी तो जो है ठीक है, लेकिन मेडिकल लीगल होने की वजह से रेफर करना पड़ेगा।